हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू दिस चैनल। और आज के वीडियो लेक्चर में मैं आपको बताऊंगा कर्नल और शेल के बारे में। तो जब कर्नल और शेल की बात की जाती है तो यहाँ पर हम थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं लिनक्स एंड यूनिक्स के बारे में। तो जब लिनक्स एंड यूनिक्स की बात होती है तो दीज आर द ऑपरेटिंग सिस्टम, जैसे कि मैंने आपको प्रीवियसली बताया है कि ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस और कमांड लाइन इंटरफेस, ये दो इंटरफेस होते हैं। एक जगह हम ग्राफिकल कमांड्स जो होती हैं ग्राफिकल पॉइंट से एक्सेस करते हैं, और सी एल आई मीन्स जहाँ पर हम कमांड लाइन इंटरफेस, यहाँ जहाँ उस पर हम कमांड्स को परफॉर्म करते हैं। तो लिनक्स इज़ वन ऑफ द बेस्ट मॉडिफाइड वर्जन ऑफ यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम। और लिनक्स के बारे में एक चीज़ और बोली गई है कि लिनक्स इट्स एन ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम एंड इट इज़ फ्री टू यूज़ एज वेल एज फॉर मॉडिफिकेशन। तो लिनक्स ईजिली अवेलेबल है, ओपन सोर्स है, और ये जो लिनक्स वॉज डिज़ाइन बाय कंसीडरिंग यूनिक्स कॉम्पैटिबिलिटी, इट मीन्स जो लिनक्स डिज़ाइन किया गया था वो यूनिक्स कॉम्पैटिबिलिटी को ध्यान में रखते हुए डिज़ाइन किया गया था। तो यहाँ पर हम लिनक्स और यूनिक्स की बात तो हम करते रहेंगे, बट अभी हमारा जो मेजर वीडियो लेक्चर है वो है हमारा कर्नल और शेल पर। तो जब अब चलिए स्टार्ट करते हैं अपने वीडियो के साथ। तो यहाँ पर हम जो देख पा रहे हैं, जैसे कि हमारे पास दो हेडिंग्स हैं। पहला है हमारे पास द कर्नल इज़ द सेंट्रल कंपोनेंट ऑफ कंप्यूटर ऑपरेटिंग सिस्टम। कंप्यूटर ऑपरेटिंग सिस्टम का कर्नल जो है वो सेंट्रल कंपोनेंट होता है। सेकंड थिंग क्या है यहाँ पर, सेकंड पॉइंट है द ओनली जॉब परफॉर्म बाय द कर्नल इज़ टू द मैनेज द कम्युनिकेशन बिटवीन द सॉफ्टवेयर एंड द हार्डवेयर। तो हम ये कह रहे हैं यहाँ पर कि जो कर्नल है हमारा वो हार्डवेयर एंड पर वर्क करता है, और जो हमारा शेल है वो यूज़र एंड पर वर्क करेगा। अभी मैं आपको आगे की वीडियो में कुछ डायग्राम सिखाऊंगा जिसके थ्रू आपको ये चीज़ क्लियर हो जाएगी कि हम कर्नल को हार्डवेयर एंड पर क्यों बोल रहे हैं और शेल को हम यूज़र एंड पर हम उसकी क्यों बात कर रहे हैं। तो कर्नल बेसिकली इट्स एन इंटरफेस बिटवीन द ऑपरेटिंग सिस्टम एंड अदर हार्डवेयर रिसोर्सेज, ये भी एक इसका मेन कॉम्पोनेंट है कि ये एक तरह का इंटरफेस है जहाँ पर ऑपरेटिंग सिस्टम है और हमारा और अदर हार्डवेयर रिसोर्सेज वी आर यूजिंग, और इट इज़ अ मेन पार्ट ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम। जैसे कि सेंट्रल की बात की है मैंने, सेंट्रल कंपोनेंट इज़ द मेन कंपोनेंट ऑफ द ऑपरेटिंग सिस्टम एंड इट लोड फर्स्ट एंड रिमेन्स इन मेन मेमोरी, यानी कि ये लोड करता है और मेन मेमोरी में डाल देता है। मेन मेमोरी मतलब जो आपकी प्राइमरी मेमोरी है, जहाँ पर हम रैम इन चीज़ों की बात करते हैं, तो ये आपका मेन मेमोरी में लोड कर देता है। और ये भी कह सकते हैं कि कर्नल इज़ द ब्रिज बिटवीन द एप्लीकेशन एंड द एक्चुअल डेटा प्रोसेसिंग टू सपोर्ट द एप्लीकेशन, तो ये एक तरह का ब्रिज का भी काम करता है। तो इस तरीके से कर्नल्स के बारे में बहुत सारी चीज़ें हम बना सकते हैं या फिर उनको हम डिफ़ाइन कर सकते हैं। अब यहाँ पर हम बात कर रहे हैं कॉन्सेप्ट ऑफ कर्नल। अब कर्नल को अगर हम ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन पॉइंट ऑफ व्यू से समझें तो आप देख पा रहे होंगे यहाँ पर वी हैव नंबर ऑफ़ प्रोग्राम्स जिसको मैंने अदर प्रोग्राम्स की फॉर्म में डिफ़ाइन किया है, और इसके नीचे आप देख पा रहे हैं ये कुछ कमांड्स हैं, यूनिक्स कमांड्स, जैसे कि सी ओ एम पी कंपेयर कमांड होती है, और आपका डेट होता है यहाँ पर, डेट टू शो डेट एंड टाइम ऑफ द सिस्टम। और इस तरीके से हम यहाँ पर देख सकते हैं वी आई एडिटर, इट मीन्स एडिट, वी आर जस्ट एडिटिंग द कमांड्स, और देयर आर सो मैनी कमांड्स जो आप देख रहे हैं यहाँ पर अदर प्रोग्राम के मिडिल लेयर में। उसके नीचे जाएंगे हम डाउन में तो यहाँ पर आप देखेंगे कर्नल, और उसके सेंटर पॉइंट पर है हार्डवेयर। तो इस ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन से आपको पता लग रहा होगा कि हार्डवेयर के ऊपर आ रहा है कर्नल, कर्नल के ऊपर जितनी कमांड्स होंगी जो यूज़र अपने आप एंटर करेगा वो डायरेक्टली हम कर्नल के थ्रू एक्सेस कर रहे हैं। बट आपको याद रखना है कि ये डायरेक्टली यूज़र एक्सेस नहीं करता है कर्नल मोड को, उसके लिए शेल मोड की ज़रूरत होगी। तो जितनी भी यूजर्स कमांड परफॉर्म करेगा वो शेल इंटरफेस पर करेगा, उसके थ्रू हम फिर कर्नल उसको पास ऑन करेगा जो हमारे शेल के थ्रू कमांड्स आएंगी। तो ये ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है हमारा कर्नल का। अब जब टाइप्स ऑफ कर्नल की बात आती है तो दो तरह के हमारे टाइप्स होते हैं, फर्स्ट वन इज़ अ मोनोलिथिक एंड सेकेंड इज़ माइक्रो कर्नल। तो मोनोलिथिक कर्नल इज़ अ सिंगल कोड और ब्लॉक ऑफ द प्रोग्राम, यानी कि एक इंडिविजुअल कोड होता है या फिर इंडिविजुअल ब्लॉक हम कह सकते हैं, जो प्रोवाइड करता है ऑल द रिक्वायर्ड सर्विसेज ऑफर्ड बाय द ऑपरेटिंग सिस्टम, यानी कि ये जितनी भी इसेंशियल सर्विसेज हैं ये ऑफर करेगा हमें किसके थ्रू, ऑपरेटिंग सिस्टम के थ्रू, दैट इज़ कॉल्ड मोनोलिथिक कर्नल। जब बात करेंगे माइक्रो कर्नल की तो माइक्रो कर्नल बेसिकली इट मैनेज ऑल द सिस्टम रिसोर्सेज, जितने भी मल्टीपल रिसोर्सेज एट द सेम टाइम चल रहे हैं तो माइक्रो कर्नल उन सबको मैनेज करके रखेगा। बट इसमें एक इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि जो सर्विसेज हैं हमारी, दैट सर्विसेज आर इम्प्लीमेंटेड इन डिफरेंट एड्रेस स्पेस। तो जितनी भी सर्विसेज ये प्रोवाइड करेगा उसके लिए डिफरेंट एड्रेस स्पेस क्रिएट करेगा, और
जितनी यूज़र सर्विसेज हैं आर स्टोर्ड इन यूज़र एड्रेस स्पेस, तो जो सर्विसेज ऑफर करना करनी चाहिए वो अदर एड्रेस स्पेस में होंगी और जितनी यूज़र सर्विसेज हैं वो हमारी यूज़र एड्रेस स्पेस में। तो इसके थ्रू हम कह सकते हैं कि दो तरह के एड्रेस स्पेस माइक्रो कर्नल के अंदर क्रिएट हो रहे हैं। फर्स्ट वन इज़ यूज़र एड्रेस स्पेस एंड सेकेंड वन इज़ कर्नल एड्रेस स्पेस। तो इसके अकॉर्डिंगली हम कह सकते हैं कि ये हमारे दो टाइप्स के जो कर्नल हैं जो मोस्टली पूछे जाते हैं, आप अगर एग्ज़ाम्स की तैयारी कर रहे हैं या फिर आप जनरली अगर आप कर्नल को डिस्कस करेंगे तो मोनोलिथिक और माइक्रो कर्नल्स, दीज आर द टू टाइप्स ऑफ कर्नल। अब हम बात करेंगे शेल की। तो जब शेल की बात की जाती है तो बेसिकली शेल इट एक्ट्स एज एन इंटरफेस बिटवीन यूज़र एंड द ऑपरेटिंग सिस्टम। हम ये कह सकते हैं कि एक तरह का इंटरफेस है बिटवीन यूज़र एंड ऑपरेटिंग सिस्टम या फिर यूज़र एंड कर्नल। तो यहाँ पर हम ऑपरेटिंग सिस्टम ना बोल के हम बोलेंगे यूज़र एंड कर्नल। तो आपने देखा होगा इन्वर्टेड कॉमास, यहाँ पर मैंने इसको हाईलाइट किया हुआ है। तो शेल एक तरह का इंटरफेस है बिटवीन यूज़र एंड कर्नल। इट इज़ एन इंटरफेस विच टेक्स इनपुट फ्रॉम यूज़र्स एंड सेंड इंस्ट्रक्शन टू द कर्नल। यानी कि यहाँ पर जो शेल है एक तरह का ऐसा इंटरफेस है जो इनपुट लेगा यूज़र से और सेंड करेगा इंस्ट्रक्शंस टू द कर्नल। अब कर्नल एक्टिव होगा आफ्टर गेटिंग ऑल दोज कमांड फ्रॉम शेल। तो इसके अकॉर्डिंगली हम इसको वाइस वर्सा करते हैं, इट टेक्स द आउटपुट फ्रॉम कर्नल। यानी कि फिर दोबारा से ये कर्नल जन ने जब रिस्पॉन्ड किया तो यहाँ पर ये क्या हुआ, यहाँ पर फिर दोबारा से इसको आउटपुट मिला कर्नल से और फिर इसने रिजल्ट किसको दिया, टू द आउटपुट शेल। यानी कि जहाँ पर यूज़र काम कर रहा है, अपना वर्क परफॉर्म कर रहा है, तो वहाँ पर ये क्या हुआ, कर्नल ने जो रिस्पॉन्ड किया था वही डेटा एज इट इज़ शेल ने यूज़र को प्रोवाइड करा दिया। तो हम ये भी कह सकते हैं कि शेल इज़ अ कमांड लाइन इंटरप्रेटर, क्योंकि ये इंटरप्रेटर की तरह वर्क कर रहा है। तो यहाँ पर हम इसको कह सकते हैं इट इज़ कॉल्ड अ CLI। और शेल इज़ बेसिकली इट्स अ लेयर ऑफ प्रोग्रामिंग एंड दैट अंडरस्टैंड्स एंड एग्जीक्यूट द कमांड अ यूज़र एंटर्स। तो ये एक तरह की हमारी इनर लेयर होती है शेल, जिसके थ्रू क्या हो रहा है, यहाँ पर सारी कमांड्स एग्जीक्यूट हो रही हैं वन बाय वन। तो ये इस तरीके से आप पॉइंट्स को देख सकते हैं। फोर्थ पॉइंट मैंने आपको बता दिया है, इंटरप्रेटर है और यूज़ टू ट्रांसलेट प्रोग्राम इन असेंबली लैंग्वेज टू मशीन लैंग्वेज। इसलिए मैंने आपके अभी आपको बताया कि इट इज़ लाइक अ इंटरप्रेटर, इंटरप्रेटर है क्योंकि यहाँ पर हम कमांड लाइन इंटरप्रेटर ले रहे हैं जो हमारी असेंबली लैंग्वेज टू मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट कर रहा है। अब जब टाइप्स की बात हो रही है तो टाइप्स ऑफ शेल, तो देर आर फोर टाइप्स ऑफ शेल, कॉर्न शेल, बोन शेल, सी शेल एंड पोसिक्स शेल। तो पोसिक्स शेल को हम इतना डिस्कस नहीं करते हैं। तो जनरली जब टाइप्स की बात की जाती है तो मोस्टली थ्री टाइप्स के ही कर्नल शेल को हम यहाँ पर डिस्कस कर लेते हैं, कॉर्न शेल, बोन शेल, सी शेल। तो इनका डिस्क्रिप्शन जो है फिर मैं आगे के वीडियोस में अपलोड करता रहूँगा। अभी तो हमें बेसिकली इन दोनों में क्या डिफरेंस है कर्नल और शेल में, ये हमें डिस्कस करना है। अब यहाँ पर आप देखेंगे स्ट्रक्चर ऑफ कर्नल एंड शेल, ये बहुत ही सिंपल स्ट्रक्चर है, आपको मिल जाएगा वैसे ही अगर आप कहीं पे भी सर्च करेंगे। बट यहाँ पर हमें इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि इसको समझना है, इसकी टर्मोलॉजी को समझना है। तो ये हार्डवेयर है, यहाँ पर एसेंशियली हार्डवेयर हम यूज़ कर रहे हैं कोई सा भी। अब ये जो आप देख रहे हैं ग्रीन सेक्शन का जो पार्ट है हमारा, ऑपरेटिंग सिस्टम हमारा मेन कॉम्पोनेंट हो गया। अब ऑपरेटिंग सिस्टम हैज़ टू अनदर कॉम्पोनेंट, यानी कि ऑपरेटिंग सिस्टम के साथ जो अदर कॉम्पोनेंट्स हैं वो एसोसिएट हो रखे हैं। हार्डवेयर साइड पर कर्नल दिख रहा होगा आपको और शेल जो दिख रहा है हमें वो टर्मिनल साइड पर दिख रहा है। इसीलिए मैंने आपको बताया कि जो कर्नल है वो हार्डवेयर एंड पर वर्क करता है और शेल जो है वो यूज़र एंड पर वर्क करता है। तो ये आप देख पा रहे हैं, ये जो एरो कीज है हमारा कहाँ से जा रहा है, हार्डवेयर टू सॉफ्टवेयर। तो जितने भी यूज़र्स हैं, वी कैन से देयर आर एन नंबर ऑफ यूज़र्स, दे आर एक्सेसिंग और दे आर एंटरिंग द कमांड एट द सेम टाइम। तो जब ये एट द सेम टाइम जितनी भी कमांड्स होंगी वो कौन एक्सेप्ट करेगा, शेल फिर देगा आपको कर्नल को। बट कर्नल और शेल के बीच हम ऑपरेटिंग सिस्टम को भी लेके चल रहे हैं, तो जो हमारा एक तरह का इंटरफेस है ऑपरेटिंग सिस्टम, इसी के थ्रू हमारे सारी कमांड्स फुलफिल होंगी। अब इसका एक ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है ये हमारा कर्नल और शेल का। अब यहाँ पर आप देखेंगे जो कर्नल है हमारा वो बेसिकली हार्डवेयर शेड्यूलर मेमोरी है, जितनी भी शेड्यूलिंग होती है मेमोरी शेड्यूलिंग वो किसके थ्रू हो रही है, कर्नल के थ्रू, सिक्वेंसिंग जो ये बनाएगा। ये तो हो गया हमारा हार्डवेयर के टर्म्स में। लेकिन जब हम बात कर रहे हैं कमांड्स की, देर आर नंबर ऑफ कमांड्स जो शेल के थ्रू आ रही है कर्नल पे, तो ये क्या करेगा, इसको हम कह सकते हैं शेल को, इट इज़ अ CLI सिक्वेंसिंग। जितनी भी कमांड्स होंगी उनको प्रॉपर सिक्वेंस में लगाना और किसको फॉरवर्ड करना है, शेल को, क्योंकि शेल क्या सॉरी कर्नल को, कर्नल क्या करेगा उसके हिसाब से अपनी शेड्यूलिंग जो हमारी जो पूरी कंप्लीट शेड्यूलिंग होगी वो हमारी कर्नल के थ्रू बनेगी।
अब ये जो है हमारा आउटर पार्ट, हमारा एप्लीकेशंस हैं, देर आर नंबर ऑफ एप्लीकेशंस, हम यहाँ पर इसको कह सकते हैं यूज़र ऐप डेमोन्स, यानी कि डेमोन्स मतलब यहाँ पर जितनी भी प्रोसेस क्रिएट हो रही है वो फाइनली फिर उनको क्या किया जाएगा, उनको डिस्ट्रॉय या किल किया जाएगा, सो दैट हम उसको अपने सिस्टम की इफ़िशेंसी को बढ़ा सकें. तो दिस इज़ द एक्चुअल ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन बिटवीन कर्नल एंड शेल एंड हाउ इट वर्क्स, कैसे वर्क करता है, आपको ये ध्यान देना है बस. अब जब फाइनली जब हम डिफरेंस की बात कर रहे हैं कर्नल और शेल के, फटाफट से डिफरेंस हम कैसे बना सकते हैं, तो पहला पॉइंट है कर्नल कंट्रोल ऑल द टास्क ऑफ द सिस्टम, ये हमें पता ही है कि जितने भी सिस्टम के टास्क हैं वो ये कंट्रोल करेगा. शेल बेसिकली अलाउ द यूज़र टू कम्युनिकेट विद द कर्नल, जो यूज़र्स कम्युनिकेट कर रहा है वो शेल के थ्रू हमारा पॉसिबल हो रहा है. इट इज़ अ कोर ऑफ द ऑपरेटिंग सिस्टम, ये ठीक है. शेल क्या है हमारा, इंटरफेस बिटवीन कर्नल एंड यूज़र. टाइप आप पढ़ चुके हैं, मोनोलिथिक कर्नल एंड माइक्रो कर्नल. उसके अलावा हाइब्रिड कर्नल भी हमारा कभी कभी टाइप्स में इंक्लूड हो जाता है. और शेल के टाइप्स हैं बोन शेल, सी शेल, कॉर्न शेल, जैसे कि मैं आपको मैंने प्रीवियस स्लाइड में बताया था. इसके अलावा शेल क्या है, कमांड लाइन इंटरप्रेटर है. और कर्नल हमारा यहाँ पर इट इज़ अ लो लेवल प्रोग्रामिंग इंटरफेसिंग विद द हार्डवेयर, जिसमें CPU, RAM, हार्ड ड्राइव ये सब चीज़ें इंक्लूड हो जाती हैं. अब कर्नल क्या करता है, बेसिकली इट परफॉर्म्स मेमोरी मैनेजमेंट एंड प्रोसेस मैनेजमेंट. ये कर्नल दो मैनेजमेंट को कंट्रोल करके रखता है. अपार्ट फ्रॉम दिस शेल कमांड लाइक LS, MKDIR, जितनी भी आपकी यूनिक्स कमांड्स हैं. LS मतलब लिस्ट जो होती है हमारी, लिस्ट शो करती है जितनी भी फाइल्स, जो हमारी फाइल्स और डायरेक्टरीज होती हैं वो LS के थ्रू शो होती हैं. तो ये जितनी भी कमांड्स हैं LS, MKDIR एंड मैनी मोर कमांड्स कैन बी यूज टू रिक्वेस्ट द कम्प्लीट द स्पेसिफिक ऑपरेशन टू द ऑपरेटिंग सिस्टम. ये रिक्वेस्ट करेगा कर्नल को ये सारी कमांड्स चलाने के लिए. अब इसके बाद हम फाइनली एक और डिफरेंस कंक्लूड करेंगे. इट मीन्स कर्नल डायरेक्टली इंटरेक्ट विद द हार्डवेयर बाय एक्सेप्टिंग मशीन अंडरस्टैंडेबल लैंग्वेज फ्रॉम द शेल, यानी कि कर्नल डायरेक्टली इंटरेक्ट कर रहा है हार्डवेयर के साथ. और शेल क्या है, इट इंटरेक्ट विद यूज़र एंड इंटरप्रेट टू मशीन अंडरस्टैंडेबल लैंग्वेज. तो ये दोनों अलग अलग डायरेक्शन हो गए, लेकिन फाइनली दोनों का टारगेट एक ही है कि किसी तरीके से जो यूज़र्स की कमांड है वो फाइनली एग्जीक्यूट होनी चाहिए विदाउट एनी एरर. तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा. आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं कि कर्नल और शेल में आपको कोई डाउट है या फिर कोई भी आप क्वेरीज करना चाहते हैं. सो थैंक्स फॉर वॉचिंग.